सुरभि, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। अरे ये हाथ में क्या हो गया तुझे? तू ठीक तो है, ये कैसे हो गया? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से चोट लग गई, दो चार दिन में बैंडेज उतर जाएगा। लता बहनी, नमस्कार। नमस्ते कैशियस बाड़ा। ताई, सुरवी और श्रीकांत भाऊजी आज बहुत सालों के बाद इस घर में आए हैं। सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। इस घर में पहला कदम रखने से पहले उसकी नजर उतारनी चाहिए। शांति, आरती भी तो करनी होगी ना ताई। लीजिए। चलो बेटा, अब सब शुभ होने वाला है। बहुत ही भयंकर नजर लगी, नहीं? अब नजर भी आप ही की लगी है, तो कम से कम इतना धुआं तो निकलना ही चाहिए ना, हैं? पर इतना ध्यान रखिएगा सासू माँ कि इस धुएं में कहीं हम सब भी ना उड़ जाएं। एक एक करके सारे राज खुल रहे हैं। जब मिर्च जल जाता है ना सासू माँ, तो कम से कम राख तो बचता ही है। लेकिन अगर कार्तिक आधा उसको देगा और आधा अपने पास रखेगा, तो ना राख बचेगी ना खाक। ताई की नाकर कम होगी और ना पकड़, ये वादा रहा ताई का। सबसे पहले आप आपकी ये अमानत वापस लीजिए। बहनी, ये क्या है? आपका हक भाऊजी। 12 साल पहले आपने कार्तिक पे जो भरोसा किया था, उसी के बलबूते पर आज कार्तिक बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसकी ये कामयाबी में आपका भी हक बनता है भाऊजी। कार्तिक, रुपए पैसे में रिश्ते को मत बांध। आखिर मैंने तुझे दिया ही क्या था? चालकी, छाल की एक छोटी सी खोली। उस खोली से तूने इतना कमाया, वो तेरा भाग्य था, तेरी मेहनत थी, तेरी किस्मत थी। पापा के आशीर्वाद से मैं और सुरभि बहुत खुश हैं, सुखी हैं। श्रीकांत भाऊजी, आपने तो हमारी पैसों की बात नहीं मानी, लेकिन ये बात आप मना नहीं कर सकते। आज से आप और सुरभि यहीं हमारे इसी घर में रहेंगे, हम सब एक साथ रहेंगे। कार्तिक, तू बिल्कुल नहीं बदला, पर बेटा वक्त बदल गया है। कोई मेरी
सुरभि पे उंगली उठाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एकदम ठीक बोला श्रीकांत, अभी तेरी बेटी भी तो इतनी बड़ी हो गई है और इस घर में भी दो दो जवान लड़के हैं। अब अगर ऐसे में तेरी बेटी की इज्जत भरे बाजार उछलेगी तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। ताई, बिल्कुल सही कहा आपने। कार्तिक, तू हमारी चिंता मत कर, हम लोग छाल में सुखी हैं, वही सही है। मुझे अरे मैं मेरा फोन अंदर भूल गया, मैं अभी आया। जी काका।